पूर्णिमा जी, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। सुबह सवेरे के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप एक स्टेज शो करने जा रही हैं, इसका आइडिया आपको कैसे आया? स्टेज शोज तो मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने अपने करियर की शुरुआत ही स्टेज शोज से की थी। सबसे पहला शो मैंने किया था 1967 में, जब मैं 7 साल की थी। अब ऐसा हुआ है कि मैंने अपने बैनर में शोज़ करना शुरू किया है, क्योंकि अब तक ऐसा होता था कि लोग मुझे यानी अगर मैं प्रोफेशनल भाषा में कहूँ तो एक सिटिंग के लिए बुलाते थे, जैसे मैं और भी कलाकार हों मेरे साथ, मैं जाकर 6-7 गाने गाकर वापस आऊँ। लेकिन मैंने अब जैसे पहले ज़माने में होता था, बाबला एनज ऑर्केस्ट्रा, महेश कुमार जी, इन सब ने जैसे अपना एक बैनर कायम किया था, मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूर्णिमा गीतमाला इस नाम से मैं अपना एक बैनर कायम कर सकूं। कोशिश कर रही हूं, कहां तक कामयाबी हासिल होगी ये तो आप सबकी दुआएं और मालिक का करम ही बताएगा। पूर्णिमा, आपने अपना करियर एज ए चाइल्ड सिंगर फिल्म अंदाज से शुरू किया था, वो मौका आपको कैसे मिला था? ऐसा हुआ कि उस फिल्म में शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक था, मुझे उन्होंने बुलाया, मैं गई, बस पूछा कौन से सुर से गाती हूँ। तब तक मैं गाना बिल्कुल नहीं सीखती थी, सुना साना था, क्योंकि घर में संगीत का माहौल बचपन से ही मिला मुझे डैडी की तरफ से। तो मैंने भी कह दिया काली एक से गाती हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तो काली एक का सा पकड़ो। उन्होंने हारमोनियम लिया, मैंने सा गाया, पंचम तक उन्होंने मुझे गवाया, मध्यम या पंचम तक काली एक के। और कह रही ये तो दौड़ेगी, मेरी मौसी मेरे साथ थी और मामा जी थे, और उन्होंने कहा इसे ले आओ फिल्म सेंटर। गाना नहीं सिखाया, फिल्म सेंटर हम लोगों को बुलाया गया दूसरे दिन। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी के साथ गाना गा रही हूँ। मेरे साथ एक और भी लड़की थी, प्रतिभा बोर्डेकर, हम दोनों ने बच्चों का पार्ट गाया। वहीं जाकर गाना सीखा और गाना पहली टेक में ओके हो गया। आप उस गीत की कुछ लाइनें गुनगुना सकती हैं? कपड़े बदल कर आने पड़ेंगे। 9 साल की थी जब गाना गाया था मैंने। है ना बोलो बोलो पा 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 पा, है ना बोलो बोलो ता 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 रा रा पा पा, बोलो बोलो ता रा 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 रा, मम्मी बोलो बोलो पा 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 पा, पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है। पूर्णिमा, आपके करियर में पंचम जी यानी राहुल देव बर्मन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पंचम दा को एक म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से मैं बहुत बाद में जानने लगी। मेरे पिताजी भोला श्रेष्ठ जी इसी फील्ड में थे, उन्होंने खेमचंद प्रकाश जी के साथ काफ़ी अरसे तक काम किया, फिल्म महल तक। उसके बाद उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ काम किया बतौर उनके असिस्टेंट, बहुत अच्छे दोस्त थे वो। और जाहिर है कि वो एक ही पूरा सर्कल था, एस डी बर्मन जी, किशोर अंकल, और भी बहुत गुणी लोग थे उनके दोस्तों में से। तो पंचम दा को हम उस टाइम से जानते हैं जब वो मैं समझती हूँ बर्मन चाचा को असिस्ट करते थे, और मैं तो गाने की बू तक मुझे नहीं मालूम थी, तो हमारे लिए वो दादा ही थे। उसके बाद उन्होंने भी मुझे इसी हैसियत से बुलाया कि मैं भोला जी की बेटी हूँ। बहुत इज्जत, बहुत प्यार देते थे। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है पंचम दा के बारे में, मैं अपनी तरफ से कुछ कहकर हमारे रिश्ते का अपमान नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ रिश्ते दुनिया में ऐसे होते हैं जो बहुत पाक होते हैं। पंचम दा के साथ मेरा कुछ ऐसा ही रिश्ता था। एज अ चाइल्ड सिंगर एंड अडल्ट सिंगर आपके करियर में काफ़ी गैप रहा, तो उसकी क्या वजह थी? नॉट चाइल्ड एंड एडल्ट, क्योंकि गैप आने से पहले मैंने फिल्म अंकुश का गाना गाया था, जो मैं समझती हूँ एडल्ट के लिए था। फिल्म द बर्निंग ट्रेन में भी मैंने सिमी जी के लिए गाया था। अंकुश का गाना जब रिकॉर्ड हुआ तब मेरी शादी हो चुकी थी, 1981 में वो गाना रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे करियर में बहुत बहुत लंबे अरसे तक गैप आया। और मैं समझती हूँ कि जो होता अच्छे के लिए ही होता है, वो अच्छा ही हुआ जो वो गैप आया। आ गले लग जा की कुछ लाइनें गुनगुनाएंगी आप? ज़रूर। जाने तू या जाने ना,
तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तो या जाने ना, हो माने तो या माने ना। आपका जो गाना था तुतु तारा वो भी बहुत हिट हुआ था, दो लाइनें सुनाएंगी? तुतु तारा तोड़ो ना दिल हमारा, सच्ची कहानी तुमको सुनाने आए हैं हम तो तुमको मनाने, कर दो हमें माफ तुम। तुतु तुतु तारा अरे तोड़ो ना दिल हमारा। आजकल आपका नाम पैपी सॉन्ग्स के लिए ज्यादा लिया जाता है। पहले बच्चों के गानों के लिए लिया जाता था, अब पैप्पी सॉन्ग्स के लिए लिया जाता है। इसके बाद पता नहीं किसके लिए लिया जाएगा, लेकिन नाम लिया जाएगा, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। मैं नहीं जानती, यहाँ पर ऐसा है कि हम चाहें ना चाहें, मैं इंडस्ट्री तो नहीं, पर ये दुनिया की रीत होती है। वो जिस इमेज में जिसको ढालना चाहते हैं उसी इमेज में उस कलाकार उस आदमी को वो ढा देते हैं। अब मेरी बदकिस्मती बोलिए कि किस्मत से बोलिए कि पहले बच्चों के गानों के साथ मैं बंध गई। पूर्णिमा जी, सुबह सवेरे हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।